हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड की ओर से सितंबर हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि सितंबर फिनेंशियल हाफ ईयर है। और गाइस, कंपनी जो एसएमई कैटेगरी का है, तो इसका जो शेयर है गाइस, ये जो रिजल्ट है ये हाफ ईयर एंडेड का ही और फर्स्ट हाफ ईयर का जो है सो रिजल्ट कंपनी पेश किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, कंपनी का जो रिजल्ट आया है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ ईयर और फिनेंशियल ईयर एंड फर्स्ट हाफ ईयर एंडेड का रिजल्ट है। हम लोग पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे गाइज हम लोग आ चुके हैं रिजल्ट्स पर। और अगर इनकम की बात करें तो कंपनी का जो इनकम है 164.2 करोड़ का, जो मार्च में 69 करोड़ का और जो सितंबर लास्ट ईयर में 81.2 करोड़ का इनकम है। इनकम जो है सो इंक्रीज किया, चाहे वो पिछले हाफ ईयर हो या लास्ट हाफ ईयर हो, दोनों से इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ 146.7 करोड़ का, मार्च में 64 करोड़ का और सितंबर 23 में 77.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस में इंक्रीज किया है मार्च से और लास्ट हाफ ईयर से, बहुत अच्छी इंक्रीज किया है एक्सपेंस में भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17.4 करोड़ का, मार्च में 4.9 करोड़ का और सितंबर 23 में 3.3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नो डाउट गाइस, इंक्रीज किया, चाहे मार्च से हो, मार्च से अगर देखा तो 4 times इंक्रीज किया है और सितंबर 23 से, मतलब ईयर ऑन ईयर में अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 5 times का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का 13 करोड़ का, मार्च 24 में 3.5 करोड़ का, सितंबर 23 में 2.6 करोड़ का, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला, चाहे पिछले हाफ ईयर हो या फिर लास्ट हाफ ईयर हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप है। ईपीएस 6.63 रुपीज का, जो कि लास्ट हाफ ईयर और लास्ट मतलब कि पिछले हाफ ईयर और लास्ट ईयर के हाफ ईयर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रही है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट कंसोलिडेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया। स्टैंड अलोन में 164 करोड़ का इनकम है और मार्च में 69 करोड़ का और सितंबर 23 में 81.2 करोड़ का इनकम है, जो कि इनकम में लास्ट हाफ ईयर से और लास्ट ईयर से बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। एक्सपेंस कंपनी का हुआ 146.5 करोड़ का, मार्च 24 में 64 करोड़ का, सितंबर 23 में 77.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस में इंक्रीज किया, चाहे पिछले हाफ ईयर हो या फिर लास्ट हाफ ईयर हो, दोनों से इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17.5 करोड़ का, मार्च 24 में 4.9 करोड़ का, सितंबर 23 में 3.3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 13.1 करोड़ का, मार्च 24 में 3.5 करोड़ का, सितंबर 23 में 2.6 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट पिछले हाफ ईयर और लास्ट ईयर के हाफ ईयर से बहुत स्ट्रॉन्ग जंप है। ईपीएस 6.64 रुपीज का, अच्छी ग्रोथ हुआ लास्ट हाफ ईयर से और ईयर ऑन ईयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। रिजल्ट गाइस, कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप होता हुआ देखने को मिल रही है। और अगर इसके रिजल्ट आए गाइस, 235 के अराउंड इसके रिजल्ट आया, 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी के शेयर में। तो गाइस, रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया है। 1 week में 17% का प्रॉफिट दिया, लेकिन 3 months में 14% का लॉसेस हुआ, बट 6 months में अगर देखा जाए तो 130% का प्रॉफिट है। कंपनी जो है एक हाई बनाया था, लगभग जो है एक हाई बनाई थी गाइस कुछ टाइम पहले, बहुत बड़ा हाई बनाया था, जो कि अराउंड 630 रुपीज के अराउंड हाई बनाया था 5 July को। उसके बाद कंपनी कंसिस्टेंट डिक्रीज करता हुआ देखने को मिला, उसके बाद फिर वापस से कंपनी इंक्रीज किया, जो कि अराउंड 13 August को। उसके बाद फिर कंपनी बहुत बुरी तरह से गिरावट, और यहाँ से वापस से रिवर्स करता हुआ देखने को मिल रहा है। रिजल्ट ही बहुत स्ट्रॉन्ग पेश किया गया। एसएमई का डिग्री का थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, तो गाइज अगर आप इसके शेयर ले रखे हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन रिस्क करना पड़ेगा। और गाइज अगर आप इसमें होल्ड करना ही चाहते हैं तो आप अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्या इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।